उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर्मकमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों। 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है, 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटे हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सब सॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का कराए। द फील्ड ऑफ प्ले एलईडी लाइट्स लगाए हैं, जिसके कारण खिलाड़ी की परछाई पिच पर नहीं पड़ेगी, खिलाड़ी की परछाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाड़ी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40-50% बिजली की बचत भी होने वाली है। मित्रों, जिस प्रकार का हाईटेक मीडिया रूम बनाया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक मीडिया रूम है जो यहाँ खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा।